आज हम लोग अपनी HTML की सीरीज में लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे। इसका टॉपिक है लिस्टिंग। असल में लिस्टिंग एक प्रॉपर टैग ना होकर एक बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक इसका मतलब इस लिस्टिंग के अंदर काफी सारे सब टॉपिक्स आते हैं जिसमें अलग अलग टैग्स को कवर किया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि होता क्या है ये लिस्टिंग। लिस्टिंग बता दूं मैं आप लोगों को टैग पढ़ाने से पहले कि लिस्टिंग होती क्या है। फॉर एग्जांपल, लिस्टिंग जो वर्ड आया है ये लिस्ट से आया है। अभी लिस्ट क्या चीज होती है? लिस्ट जब हम काफी सारे नेम्स को एक के बाद वन बाय वन किसी ऑर्डर में या बिना ऑर्डर के प्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो बन जाती है लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, शादियों में मेहमान की लिस्ट, बाजार से क्या सामान आना है उसकी लिस्ट, खाने में आज क्या क्या बनेगा या फिर किसी फंक्शन में खाने में क्या क्या बनेगा उसकी लिस्ट, किस किस दोस्तों को कॉल करनी है उसकी लिस्ट, या फिर मैं कहूँ एनिमल्स की लिस्ट, वाइल्ड एनिमल्स की, डोमेस्टिक एनिमल्स की, वाटर एनिमल्स की, बर्ड्स की, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सब की लिस्ट। ये सब क्या बन जाती है? लिस्ट। जब बहुत सारे नेम्स एक के बाद एक वन बाय वन ऑर्डर में या बिना ऑर्डर के प्लेस करे जाते हैं, लिखे जाते हैं, वो बन जाती है एक लिस्ट। ठीक है, लिस्ट तीन तरीके की होती हैं। पहली होती है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसका कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे बोला जाए कि आप पांच फ्रूट्स के नाम लिखिए, किसी भी पांच फलों के नाम लिखिए, तो मैं जो मेरे दिमाग में आएगा मैं उसका नाम लिख दूंगा, तो वो लिस्ट कैसी होगी? अनऑर्डर्ड। वो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किस चीज के बाद क्या आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले नंबर पे एप्पल ही आएगा हमेशा हर किताब में, हर बुक में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है पहले नंबर पे बनाना आ जाए, मैंगो आ जाए, पपाया आ जाए, कुछ भी आ सकता है, तो वो लिस्ट बन जाती है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, कोई भी ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं होता। दूसरी होती है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जब किसी एक लिस्ट में एक ऑर्डर को हम स्पेसिफाई कर देते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर बना देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सो ऑन, रोमन नंबर्स में 1 2 3 4 इस तरीके से। जो ये जो लिस्ट बन जाती हैं इनको बोला जाता है ऑर्डर्ड। फॉर एग्जांपल, एक बुक है, बुक के चैप्टर्स के नेम इंडेक्स, उस चैप्टर के जो नेम होते हैं वो ऑर्डर्ड लिस्ट में आते हैं, वो एक के बाद एक रखे जाते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, तो वो ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही चैप्टर निकल जाएगा। क्यों? वो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर प्लेस किया गया है, क्योंकि वो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर रखा गया है, तो उसका एक अपना ऑर्डर है, उसका एक अपना नंबर है कि हाँ वो उसी नंबर पर स्पेसिफिक है, फिक्स है, वहीं मिलेगा। क्लियर। तीसरी होती है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट तब बनाई जाती है जब मुझसे, जैसे हम लोग क्या करते हैं कभी कभी कि बहुत सारे हमारे पास टर्म्स होते हैं, मतलब टर्म्स का मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, नाम होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को पढ़कर उनकी डेफिनेशन लिखनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इस डेफिनेशन लिस्ट में हम लोगों के पास दो टैग आते हैं, एक तो होता है डेफिनेशन टर्म, मतलब कि वो एक्चुअल वर्ड जिसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, वो तो हो गया डेफिनेशन टर्म। उसके बाद अगला आता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन का मतलब उस पर्टिकुलर टर्म की या उस वर्ड की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर जो भी लाइन, पैराग्राफ या जो भी टेक्स्ट कंटेंट जो भी लिखूंगा वो सब बन जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन। क्लियर। तो ये चीज हो गई डेफिनेशन लिस्ट। अब
इन सब लिस्ट को तो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास तीन टाइप्स की लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, डेफिनेशन। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हम लोग का लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम को हम टैग भी बोलते हैं। इसी को डिनोट करते हैं हम लोग li टैग से। अब ये लिस्ट आइटम टैग क्या होता है, जैसे कि मैंने एक लिस्ट लिखी, अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखी मान लेता हूं, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट से इतना तो पता चल गया कि हाँ जो लिस्ट लिखी जा रही है या जो डिस्प्ले होगी वेब पेज पर वो अनऑर्डर्ड है। बट उस लिस्ट के अंदर जो नाम लिखे जाएंगे, जो नेम्स लिखे जाएंगे आइटम्स के नेम, लिस्ट आइटम्स के नेम, उनको डिफाइन करने का काम है, फिर उनको लिखने का काम किसका हुआ, li टैग का। li टैग केवल आपका ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में ही काम करता है, डेफिनेशन लिस्ट में li टैग का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो li टैग आपके लिए केवल ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड के लिए ही फिक्स है, बाकी डेफिनेशन जो भी लिस्ट है उसके लिए कोई मतलब नहीं। li टैग का काम क्या होता है कि किसी भी लिस्ट आइटम नेम को स्पेसिफाई करना या डिफाइन करना विद इन एनी टाइप ऑफ लिस्ट, किसी भी लिस्ट के अंदर, चाहे वो ऑर्डर्ड हो चाहे अनऑर्डर्ड। क्लियर। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग यूएल टैग के नाम से जानते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग ओएल टैग के नाम से जानते हैं, डेफिनेशन लिस्ट को हम लोग डीएल के नाम से जानते हैं, डेफिनेशन टर्म इसको डीटी के नाम से बुलाया जाता है, और लास्ट डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन इसको डीडी के नाम से। क्लियर। ये तो रहे इनके पांच टैग्स। अब स्टार्टिंग करते हैं पहले से। सबसे पहले आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, या फिर मैं कहूं यूएल टैग। कंटेनर होता है, कंटेनर एलिमेंट होता है, इसमें एक ही एट्रीब्यूट लिखा जाता है जो है टाइप। टाइप के अंदर तीन वैल्यू लिखी जाती हैं, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। अभी तीन तरीके की चीज क्या होती है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे, वर्ड में लिस्टिंग ऑलरेडी होती है तो उसी में दिखा देता हूं। ये देखिए मैं यहां से ओपन कर रहा हूं, तो मेरे पास इतनी सारी लिस्ट आई सब टाइप से, मतलब अनऑर्डर्ड है ये। अगर मैं इसको करता हूं सॉलिड राउंड बुलेट, या फिर सॉलिड राउंड सर्कल, या फिर सॉलिड राउंड डिस्क, इसको बोला जाता है डिस्क। जैसे अगर मैं इसमें लिखूं एप्पल, बनाना, गुआवा, तो ये सब क्या बन जाएगी, ये लिस्ट बनेगी मेरी अनऑर्डर्ड, और कैसे टाइप की, डिस्क टाइप की। क्लियर। और अगर मैं इस लिस्ट को डिफाइन कर दूं इस सर्कल से, तो ये बन जाता है सर्कल। इसमें लिख दूं एप्पल, बनाना और गुआवा। क्लियर। तो ये हो गई सर्कल, ये देखिए डिस्क और ये सर्कल। इसके बाद आती है स्क्वायर, ये है स्क्वायर। अगर इसमें लिख दूं मैं एप्पल, बनाना और गुआवा, तो ये हो गया मेरा स्क्वायर लिस्ट। और किस टाइप के अंदर है ये सारी की सारी, अनऑर्डर्ड। मतलब मैं एप्पल को ऊपर लिखूं चाहे बीच में लिखूं चाहे लास्ट में लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है। दैट इज व्हाई दिस लिस्ट इज नोन एज अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर। अब आते हैं हम लोग एक एग्जांपल पर। क्यों, अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ तो ली, सब पता चल गया, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जांपल। तो एग्जांपल के लिए नया नोटपैड, HTML ओपन, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, ये तक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया। उसके बाद UL, ठीक, अनऑर्डर्ड लिस्ट,
यूएल टैग टाइप इज इक्वल्स टू कैसा टाइप रखूंगा डिस्क टाइप इक्वल्स टू डिस्क। अब ये डिस्क कैसा होता है सॉलिड राउंड सर्कल जो सर्कल हमने दिखाया था काला काला जो बिल्कुल ब्लैक डॉट था ब्लैक बुलेट था उस सर्कल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे डिस्क का इस्तेमाल करेंगे। यूएल टैग ओपन और यूएल क्लोज क्यों कंटेनर है। अब इस लिस्ट के ओपन और लिस्ट के क्लोज के बीच में मुझे क्या लिखने लिस्ट के आइटम्स के नेम तो मैं क्या लिखूंगा li एप्पल li बनाना li गुआवा li कीवी इन चार लिस्ट आइटम्स के नेम लिख दिए एप्पल बनाना गुआवा कीवी क्लियर। इन नाम्स को डिफाइन करने के लिए या फिर लिखने के लिए हम लोग लिस्ट आइटम टैग का इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा li। li टैग आपका एम्प्टी एलिमेंट होता है मतलब इसकी केवल ओपनिंग है क्लोजिंग नहीं क्लियर। मैंने लिखा html open body close html close और इसके बीच में एक लिस्ट डिफाइन करी अनऑर्डर्ड लिस्ट उसके लिए टैग लिखा ul ul ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। मुझे लिस्ट तो मैंने बता दी कि अनऑर्डर्ड है लेकिन अब ये बतानी है कि उस अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो सिंबल आएगा आगे वो किस तरीके का होगा तो मैंने लिखा टाइप इज इक्वल्स टू डिस्क डिस्क शो होगा और फिर उसके अंदर चार लिस्ट के आइटम के नेम लिख दिए लिस्ट आइटम नेम्स क्लियर। अब इसको करते हैं हम लोग सेव सेव कर दिया एग्जाम्पल डॉट एच टी एम एल ऑल फाइल्स डेस्कटॉप सेव। देखिए ये फाइल है मेरे पास इसको करता हूं मैं ओपन ये देखिए ये जो लिस्ट शो हो रही है ये अनऑर्डर्ड है सिंबल कौन सा आ रहा है इसमें डिस्क सॉलिड राउंड बुलेट नाम लिखे आ गए लिस्ट आइटम के पहला एप्पल बनाना गुआवा कीवी लिखे आ गए। इन्हीं लिस्ट आइटम को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं li टैग का इस्तेमाल। इस टाइप इज इक्वल्स टू डिस्क को बताने के लिए हमें लिखना पड़ता है कि यहां पर हाँ ये टाइप इज इक्वल्स टू डिस्क होगा और ul है तो इसका मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लियर। अब इसी में क्या करता हूं मैं डिस्क की जगह पर कर देता हूं सर्कल सर्कल करके फाइल को करता हूं सेव। अब देखिए बोर्ड इधर ध्यान दीजिए जरा वेब पेज पर ये चेंज करके मैंने क्या कर दिया डिस्क की जगह पे सर्कल। अब ये जहां पर सॉलिड राउंड बुलेट्स आ रही हैं इनकी जगह पे क्या हो जाएगा एक हॉलो सर्कल खाली सर्कल शो होने लगेगा। पेज को करता हूँ रीलोड देखिए रीलोड करते ही ये सॉलिड राउंड बुलेट से हॉलो सर्कल में चेंज हो गए क्लियर। ये तो रहा सर्कल के लिए और अगर मैं लिख दूं यहां पर स्क्वायर और फाइल को कर दूं सेव यहां पर आगे करता हूं रीलोड देखिए ये सर्कल चेंज हो गया स्क्वायर में क्लियर। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक एग्जांपल क्लियर हुआ कि मैं उसमें टाइप की वैल्यू कुछ भी लिख सकता हूं डिस्क सर्कल और स्क्वायर मेरे पास तीन ही वैल्यूज होती हैं टाइप की डिस्क सर्कल स्क्वायर इन तीन में से कोई एक वैल्यू लिखनी होती है क्लियर। आई होप आप लोगों को यूएल टैग क्लियर हो चुका होगा ठीक। अब एक चीज और यूएल टैग मान लीजिए मैंने टाइप इज इक्वल्स टू लिख दिया और अब मैं क्या करता हूं ये हटा देता हूं यूएल ओपन यूएल क्लोज। अब जो लिस्ट शो होगी मैंने सिंबल नहीं बताया कि सर्कल है स्क्वायर है या डिस्क है तो यहां पर क्या सिंबल शो होना चाहिए यहां पर जो सिंबल शो होगा वो डिस्क का होगा सॉलिड राउंड बुलेट वाला मतलब टाइप इक्वल्स टू डिस्क लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है बाय डिफॉल्ट लिया जाएगा। फाइल को कर देता हूं मैं सेव पेज को करता हूं रीलोड जैसे पेज को रीलोड करा देखिए अपने आप बाय डिफॉल्ट आ गया तो यूएल टाइप इक्वल्स टू डिस्क लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है डिस्क को वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ले ही लेगा वेब पेज वेब ब्राउजर अपने आप कंसिडर कर लेता है क्लियर। ये तो रहा हम लोग का पूरा यूएल टैग। अब आते हैं ऑर्डर्ड पर तो ऑर्डर्ड बहुत सिंपल है ये देखिए इतना सिंपल है एट्रीब्यूट टाइप इज इक्वल्स टू ये सब कुछ नहीं आएगा और इसमें दो एट्रीब्यूट्स होते हैं और स्टार्ट दो एट्रीब्यूट्स मिलते हैं हम लोगों को इसमें पहला स्टार्ट और दूसरा टाइप क्लियर। यहां कर देता हूं ओ ऑर्डर्ड लिस्ट ओएल टैग से डिफाइन होती है
ये भी एक कंटेनर एलिमेंट है, इट मींस ओपनिंग होगी क्लोजिंग होगी। इसके दो एट्रीब्यूट्स मिलते हैं हम लोगों को, स्टार्ट और टाइप। इतना क्लियर हुआ? अब इस स्टार्ट और टाइप में क्या क्या लिखा जाता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले वापस अपने डॉक पे चलते हैं। ये हम लोग का पेज था, इसको डिलीट, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से लिस्ट लिखी जाती है, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट कितने टाइप्स की होती है। क्लियर? तो मैं लिखता हूँ वन, मैंने लिखा एप्पल, टू आ गया बनाना, गुआवा, कीवी, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी। तो ये कैसी लिस्ट बन गई? ऑर्डर्ड। इसका एक ऑर्डर डिफाइन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मुझसे पूछा गया ऑर्डर्ड लिस्ट में देख के बताइए कि फिफ्थ नंबर पे क्या आइटम नेम है। मैंने क्या करा, इन सबको काउंट नहीं करूंगा, अब डायरेक्ट देखूंगा फाइव नंबर का लिखा, फाइव यहाँ लिखा, अच्छा ठीक, फाइव पर ऑरेंज। मुझसे बोला गया ऑर्डर लिस्ट में देख के बताइए कि सेकंड पोजीशन पे क्या वैल्यू है या फिर क्या आइटम नेम है। देखा सेकंड सेकंड सेकंड, ये मिला सेकंड में, मैंने बता दिया बनाना लिखा है, सिंपल। तो ऑर्डर लिस्ट इसीलिए लिखी जाती है ताकि हम ऑर्डर से बता सके कि क्या आइटम कहाँ पर आ रहा है। ये तो चलिए पांच छह नाम है। अभी आपको अगर मैं 50 नाम दे दूं और बोला जाए कि आप 36th पोजीशन पे कोई भी नाम बताइए, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक करके शुरू से काउंट करना पड़ेगा कि 36वीं पोजीशन पर कौन सा नाम आ रहा है या फिर कौन सा आइटम नेम है। और ऑर्डर्ड लिस्ट में उसी का जस्ट ऑपोजिट, आप डायरेक्ट ये चेक करिए कि 36 कहाँ लिखा है, वहीं पर देख लीजिए कि 36 ये मिल गया, इसके सामने ये आइटम नेम है, सिंपल। क्लियर? ये तो रही पहली लिस्ट AB 1 2 3 वाली। अब दूसरी देखिए, दूसरी के लिए मैंने लिखा ए, एप्पल, बनाना, गुआवा, कीवी, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी। इस तरीके से आगे ABCDEFGH चलता जाएगा, कहां तक, जेड तक। जेड के बाद फिर से ए ए ए बी ए सी ए डी ए ई, इस तरीके से कंटिन्यूसली चलता चलेगा आगे। ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ लिस्ट। इसी में दूसरा दिखाता हूं आप लोगों को। ये बता रहा हूं कि किस किस तरीके की लिस्ट, ऑन ऑर्डर लिस्ट हम HTML में इस्तेमाल कर सकते हैं। ए एप्पल, बनाना, गुआवा, कीवी, ये क्या लिख रहा हूँ। अभी तक मैंने कैप्स लॉक में लिखा था, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, अब यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी हम लिखते हैं ना, ये हमें पता है कि इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये भी एक ऑर्डर है। नेक्स्ट जो ऑर्डर्ड लिस्ट है, एप्पल, बनाना, गुआवा, कीवी, ये कैसी हुई, रोमन नंबर, रोमन नंबर्स में, रोमन न्यूमरल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बट ये रोमन न्यूमरल्स कैसे हुए, स्मॉल। अब इस स्मॉल को मैं चेंज करके क्या कर दूंगा, बड़ा, कैपिटल ए, ये देखिए अभी तक हम लोगों ने स्मॉल रोमन न्यूमरल्स पे थे, अब कैपिटल रोमन न्यूमरल्स में आ गए, ठीक है। तो हमें हमें पांच वैल्यूज मिली टाइप की, हमें पांच तरीके की वैल्यूज मिली। कैसी कैसी, एक तो मिला ए बी सी डी ई, इस तरीके से आगे चलती जाएगी। एक क्या मिली, ए बी सी डी ई, इस तरीके से आगे चलती जाएगी। फिर क्या मिली हमको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आगे सो ऑन कंटिन्यू होता रहेगा, सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गोज ऑन, और लास्ट 1, 2, 3, 4, 5 गोज ऑन। क्लियर? तो हमें पांच तरीके की लिस्ट मिली, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल रोमन न्यूमरल्स, रोमन नंबर्स,
स्मॉल रोमन नंबर्स और नॉर्मल नंबर्स, अरेबिक न्यूमरल्स इसको बोलते हैं। इन्हीं पांच तरीके को लिखा जाता है टाइप में। किस तरीके से ये मैं बताता हूँ। मान लीजिए अगर टाइप हो कैपिटल ए में, मतलब ये कैपिटल लेटर्स, तो इनका पहला पहला अक्षर लिखा जाएगा, पहला पहला लेटर। तो टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में ए, या फिर डबल कोट्स में ए, या फिर डबल कोट्स में आई, या फिर डबल कोट्स में, या फिर इन पांच में से कोई भी एक वैल्यू लिखनी होती है जिस तरीके की लिस्ट हमें गिवन है। उसके बाद स्टार्ट, स्टार्ट एट्रीब्यूट का काम सीधे एग्जांपल पर डेमो में। तो शुरू करते हैं, एक कोड लिखते हैं छोटा सा। ठीक है, इसको तो यहां पर आकर ओएल टाइप इज इक्वल्स टू, अब किस तरीके का टाइप लिखना है मुझको, मैं चाहता हूं मेरा नंबर आए 1 2 3 4 करके, तो टाइप इज इक्वल्स टू 1। बता दिया कि जो भी लिस्ट आएगी वो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आएगी। ओएल ओपन हुआ है तो ओएल क्लोज भी होगा। इसके बाद इसमें आएंगे लिस्ट आइटम्स नेम। लिस्ट आइटम कैसे, एप्पल, बनाना, गुआवा, कीवी, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। फाइल को करता हूँ मैं सेव और यहाँ पर आकर पेज को करता हूँ रीलोड। तो देखिए जो लिस्ट स्टार्ट हुई मेरी कैसे हुई, 1 2 3 4 और आगे बढ़ाता जाता तो चलती जाती, क्लियर। और यही अगर मैं इसको टाइप इज इक्वल्स टू लिख दूं स्मॉल ए और फाइल को कर दूं सेव, तो जो लिस्ट शो होगी वो कैसी होगी, ए बी सी डी ई एफ स्मॉल लेटर्स में। और अगर मैं इसी को चेंज करके कर दूं कैपिटल ए, सेम कोड है, टाइप की वैल्यू चेंज होती रहेगी जैसा आप लोगों को एचटीएमएल के आउटपुट में दे रखा है या फिर जैसा आपसे बोला है उस तरीके की लिस्ट आपको फॉर्म करनी होगी। सेव और रीलोड, देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी इस तरीके से चलता रहेगा। वहीं सेव रोमन न्यूमरल्स स्मॉल और कैपिटल लिख दूं तो कैपिटल रोमन न्यूमरल्स 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ये तो रहा मेरा एक स्मॉल छोटा सा एक एग्जांपल ऑर्डर्ड लिस्ट का, एक बहुत छोटा एग्जांपल है ऑर्डर्ड लिस्ट का, बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे दिया गया मुझसे बोला गया कि आपको एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है जिसमें एनिमल्स नेम लिखने हैं। ठीक है, और आपकी जो लिस्ट स्टार्ट होगी वो आपकी कहां से होगी, वो आपकी 7 से स्टार्ट होगी, मतलब 7 डॉट इज इक्वल्स टू लिखना है आपको लायन, इस तरीके की है। मैं लिख देता हूं पूरा, क्लियर। क्या लिख दिया मैंने, वाइल्ड बफलो। ये आपको लिस्ट वेब पेज पर डिस्प्ले करनी है। लिस्ट तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा, यहां पर नंबर स्टार्ट हो रहा है 7 से, बात को सुनिएगा, नंबर स्टार्ट हो रहा है 7 से। तो दो चीज बोली मैंने, एक तो नंबर, दूसरा स्टार्ट, तो मतलब मेरी लिस्ट क्लियर हो गई। ये टाइप कैसा होगा, नंबर, और कैसा, अरेबिक न्यूमरल्स 1 2 3 4 वाला, और स्टार्ट कहां से होगा, 7 से।
बस यही चीज हमको यहां पर लिखनी होती है। टाइप इज इक्वल्स टू कैसा आएगा, 1 1 2 3 4 5 6, यही सब लिखा हुआ है। और स्टार्ट की वैल्यू क्या आएगी, स्टार्ट इज इक्वल्स टू जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो कहां से होता, स्टार्ट 7 से। दिखा देता हूं आप लोगों को फिर से, ये देखिए 7 से स्टार्ट हुआ था, इस 7 नंबर से। तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू 7, तो पोजीशन जो स्टार्ट होगी वो 7 से होगी। उसके बाद नेक्स्ट li, वाइल्ड बफलो, देखिए HTML ओपन, बॉडी ओपन, ओवल ऑर्डर्ड लिस्ट, टाइप कैसा, 1, मतलब कि 1 2 3 4, इस तरीके का टाइप चलेगा। स्टार्ट की वैल्यू मैंने क्या लिखी, 7, मतलब ये जो लिस्ट स्टार्ट होगी कहां से स्टार्ट होगी, 7th पोजीशन से, 7th नंबर से। ठीक, फाइल को मैं करता हूं यहां पर सेव, और पेज को करते हैं हम लोग रीलोड। देखिए 7 से स्टार्ट हुआ, 7 पे क्या आया, लायन, 8th पे टाइगर, 9th पे जीब्रा, 10th पे डियर, और 11th पे वाइल्ड बफलो। टाइप कैसा लिखा, 1, और स्टार्ट कैसा करा मैंने, 7 पोजीशन से, क्लियर। तो लायन, टाइगर, जीब्रा, डियर, वाइल्ड बफलो, इस तरह की लिस्ट वेब पेज पर डिस्प्ले होने लगी। स्टार्ट का मतलब समझ में आया, एक चीज क्लियर हुई कि स्टार्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट में। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मुझसे बोला गया डी इज इक्वल्स टू लोटस, ई लिली, सनफ्लावर, रोज, मैरीगोल्ड। लिस्ट कैसी हुई, ऑर्डर्ड, क्यों, डी ई एफ जी एच, ये सब ऑर्डर्ड लिस्ट का ही तो पार्ट होता है। टाइप कैसा मिलेगा, एबीसी वाला। वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, डी से। तो मुझे क्या लिखना चाहिए फिर, तो कोड में जैसे डी से स्टार्ट होगा तो मैं यहां पे क्या लिखूं, पहले तो इसको हटाता हूं, डिलीट करता हूं। टाइप इज इक्वल्स टू ए, ये तो पता चल गया मुझको कि ए बी सी डी वाला टाइप है। अब स्टार्ट की वैल्यू कहां से लिखूं, डी से, क्या लिखना चाहिए मुझको, डी। एक्चुअल में यहां डी ना लिखकर हम लोग क्या देखेंगे कि डी किस पोजीशन पे आता है, मतलब कि जैसे ए आता है पहली में, बी 2 पर, सी 3 पर, और डी 4 पर। ए बी सी डी में डी चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू क्या लिखूंगा, 4। ये ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा कि ए बी सी डी वाले टाइप में चौथी पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, वही लेटर स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एल आई में लोटस, एल आई लिली, सनफ्लावर, रोज, मैरीगोल्ड, क्लियर। तो मैंने क्या लिखा, ओएल, टाइप इज इक्वल्स टू ए, जो मेरा लिखने का टाइप है ऑर्डर लिस्ट का जो टाइप है वो ए होगा। स्टार्ट इक्वल्स टू 4, और ये जो लिस्ट स्टार्ट होगी ये चौथी पोजीशन से स्टार्ट होगी। चौथी पोजीशन का मतलब है कि एबीसीडी वाली लिस्ट में जो चौथी पोजीशन पे जो लेटर आएगा वहां से ये वैल्यू स्टार्ट की जाएगी, क्लियर। फाइल को कर देता हूं मैं यहां पर सेव, आउटपुट देखते हैं इसका।
देखिए डी ई एफ जी एच, ये डी किस पोजीशन पे आता है एबीसीडी में, फोर्थ पोजीशन पे, चौथे नंबर पे जो लेटर आता है हमारा एबीसीडी में अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट्स में वो डी होता है, तो डी से स्टार्ट होगा क्योंकि हमने टाइप कैसा लिखा है ए, क्लियर। अगर मैं यही टाइप चेंज कर दूं आई, मतलब कि कैपिटल रोमन नंबर्स या फिर कैपिटल रोमन न्यूमरल्स, तो फोर्थ पोजीशन से क्या स्टार्ट होगा, फोर्थ, दिखाता हूं फाइल को करता हूं सेव और पेज रीलोड, देखिए फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ, क्लियर। इस तरीके से तो हम लोग क्या करते हैं, टाइप हमारा फिक्स है, हर ऑर्डर्ड लिस्ट का जो टाइप है पांच टाइप्स हैं उनका पहला लेटर ही या फिर पहला नंबर ही टाइप के टाइप एट्रीब्यूट में आएगा और स्टार्ट एट्रीब्यूट में वो वैल्यू आएगी जहां से लिस्ट स्टार्ट हो रही है, उसको हम काउंट करेंगे। अगर वो अरेबिक न्यूमरल नंबर्स में दे रखा है 1 2 3 4 वाले में तो ठीक है, रोमन न्यूमरल्स के 1 2 3 4 दे रखे हैं तो भी हम उसको काउंट करके लिखेंगे देखकर, स्मॉल एबीसीडी दे रखी होगी स्मॉल लेटर्स या फिर कैपिटल लेटर्स तो उसमें काउंट कर लेंगे कि वो लेटर किस पोजीशन पे आता है या फिर कौन से नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फाबेट में और वही नंबर स्टार्ट की वैल्यू में लिख देंगे, क्लियर। और अगर मैं यहां पे कर दूं स्मॉल आई तो स्मॉल आई से स्मॉल रोमन न्यूमरल दे देंगे, क्लियर। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज की वीडियो में हम लोगों ने ये वीडियो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, बचे हम लोग के दो टैग्स डेफिनेशन और डेफिनेशन लिस्ट बचे, उसके बाद एक और टाइप बचा बताऊंगा लिस्टिंग का, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम लोगों ने आज ऑर्डर्ड पढ़ा, ऑर्डर्ड लिस्ट, ओवल टैग और अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल टैग, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, लेकिन लेकिन जाने से पहले अपना होमवर्क लेते जाइए, क्वेश्चन वन आप लोगों को ये बताना है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप नहीं लिखूं या फिर मैं कहूं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट की बाय डिफॉल्ट टाइप वैल्यू क्या होती है, What is the default type of unordered list? Clear? और same question two. What is the default type of ordered list? Unordered list का default type क्या होता है और ordered list का default type क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट के तीन टाइप्स बताए थे मैंने, डिस्क सर्कल स्क्वायर। ऑर्डर्ड लिस्ट के पांच टाइप्स बताए थे, कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स स्मॉल रोमन न्यूमरल्स कैपिटल रोमन न्यूमरल्स और अरेबिक न्यूमरल्स, तो इन पांच में से कौन कौन से इनके डिफॉल्ट टाइप्स होते हैं आप लोगों को वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है एज अ आंसर। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आप जितना ज़्यादा नंबर ऑफ लाइक्स इंक्रीज करेंगे वीडियो पर उतना ही मैं आप लोगों से इनकरेज हो पाऊंगा और जितना ज़्यादा मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा मैं उतनी ही अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और जल्दी जल्दी रेगुलर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ मेरी कुछ कमी हो पा रही है, मतलब मेरी वजह से मैं अपने आप को रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा मुझको, बट प्रॉमिस तो नहीं करूंगा लेकिन हाँ मैं कोशिश पूरी करूंगा, अपनी तरफ से 100% ट्राई करूंगा कि हाँ रेगुलर हो पाऊँ। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स कलीग्स सीनियर्स जूनियर्स बैचमेट्स और भाई बहन किसी के भी साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपके साथ साथ उन लोगों का भी कुछ भला हो पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए, बुरी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सा पार्ट आप लोगों को इस वीडियो का समझ नहीं आया उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, या फिर अगर कोई चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ या फिर कुछ गलत बता दिया है मैंने, हो जाता है कुछ गलत बता दिया है मैंने, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आपने ये गलत कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा या तो उसको सही करने की या फिर अगली बार से कोई गलती ना हो इसकी प्रॉपर पूरी कोशिश रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।